आपके फोन में 1 GB की रैम है, 2 GB, 3 GB या फिर उससे ज्यादा भी अगर आप भी अपने फोन को डेली बेसिस पे यूज करते हो तो आपका भी फोन अचानक से कभी कभी बहुत ज्यादा स्लो चलता है। अगर आप 2-5 मिनट अपने फोन को यूज करते हो आपका फोन लैग बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है। तो इससे मैं बताने वाले ऐसी ऑसम सी माइंड ब्लोइंग सी ट्रिक जिसकी मदद से आप एक क्लिक में अपनी मोबाइल की रैम को इंक्रीज कर सकते हो वर्चुअली। आपके पास वीवो का फोन है, ओप्पो है, सैमसंग है, रेडमी है, कौन सा भी कंपनी का मोबाइल होगा, बस आपको वीडियो का हर एक सेकंड ध्यान से देखना है। और उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी हर एक लाइक से बहुत ज्यादा मैं मोटिवेट होता हूं। बाय चांस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरीज होगी, मुझसे बातें करना चाहते होगे, मुझे यहां पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको भी सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और अगर आपने अब तक कमेंट नहीं करा है तो नीचे आपको कमेंट कर देना है आप कौन से कंपनी का फोन यूज करते हो उसका नाम और स्पेस देके अपना खुद का नाम लिख देना है जिससे कि मुझे ही पता चलेगा कि आप भी हमारी वीडियो देखते हो। तो यहां पर सबसे पहले अपने फोन में आपको थोड़ी सेटिंग करनी होगी जिससे कि आप अपने फोन को थोड़ा यहां पे ऑप्टिमाइज और स्टेबलाइज मोड में यूज कर सकते हो। यहां पे अपने फोन में सेटिंग में आना है, फिर सर्च बार में आपको सर्च करना है बिल्ट नंबर करके। जैसे सर्च करते हो उसके ऊपर आपको 7 टाइम्स क्लिक करना है जब तक आपको ऑप्शन नहीं आ जाता यू आर नाउ अ डेवलपर करके। जैसे यहां पे डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है तो यहां पे अबाउट फोन के नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे क्लिक करना है। वहां पे एक सेटिंग को ढूंढना है जो कि रनिंग स्टेटस करके लिखा होगा, उस पे ऊपर आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको पूरी रैम की यहां पे स्टैटिस्टिक्स आ जाती है तो यहां पे जो रैम होगी उसके जो बैकग्राउंड रनिंग प्रोसेसेस होंगे वो यहां पे लिस्ट होने वाला है। सिंपली आपको यहां पे देख सकते हो ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है और रनिंग कैच प्रोसेसेस का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे पूरी लिस्ट आ जाती है जो भी आपके बैकग्राउंड में रैम को यूज कर रहा है। सिंपली आपको 1 by 1 यहां पे देख सकते हो इसे स्टॉप कर देना है। इसकी मदद से आपकी मोबाइल की रैम काफी ज्यादा यहां पे बचने वाली और बहुत ज्यादा यहां पे ऑप्टिमाइज रहेगी। जैसे सेटिंग कर देते हो यहां पे दूसरी सेटिंग जो कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही आपको नीचे नीचे आना है। जैसे ये ऑप्शन पे आ जाते हो जो कि यहां पे देख सकते हो एनिमेशन स्केल, एनिमेशन ट्रांजिशन करके ये 3 सेटिंग मिलती है। सिंपली आपको क्या करना है इसे 0.1x से यहां पे चेंज करना है और आपको यहां पे 0.5x पे क्लिक करना है या फिर आप यहां पे बड़े आसन से ऑफ भी कर सकते हो। पर्सनली ये सारी सेटिंग को मैंने खुद करा है, आप भी एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। जैसे ये तीनों सेटिंग को चेंज कर देते हो उसके बाद और एक यहां पे आपको सेटिंग करनी है, नीचे नीचे आना है, डू नॉट कीप बैकग्राउंड एक्टिविटीज का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी आपको ऑन कर देना है। इसकी मदद से आपके जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन हो रहे हैं उसे ये ऑफ करेगा और आपका फोन काफी सारे यहां पे स्टेबलाइज रहेगा। और यहां पे आ जाते हैं कि आप कैसे एक क्लिक में अपनी मोबाइल की रैम को इंक्रीज कर सकते हो। तो कैसे करना होगा उसके लिए अपने मोबाइल में आपको एक ट्रिक को सेटअप करना होगा। तो यहां पे आपको गूगल पे जाना है, टेक्निकल मास्टरमाइंड्स करके सर्च करना है। जैसे सर्च करते हो यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट बाय अमन लालानी वाली आपको मिल जाती है, यही साइट पे क्लिक करना है, सर्च बार में जाना है, वहां पे आपको रैम करके लिखना है क्योंकि स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। और ये पोस्ट को आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको 15 सेकंड का वेट करना है, नीचे नीचे आना है, क्लिक अबाउट टू डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, वो ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर देना है। ये कोई ऐसी वैसी ऐप नहीं है, इसकी मदद से आप वर्चुअली अपने मोबाइल की रैम को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे इसे ओपन करोगे यहां पे देख सकते हो आपको यहां पे MB लिख देना है, जितनी GB अपने मोबाइल की आपको रैम को इंक्रीज करना होगा। सिंपली आप यहां पे स्वैप कर सकते हो, जो भी आपकी मोबाइल की स्टोरेज होगी उसे ये कन्वर्ट कर देगा रैम के अंदर। जैसे सपोज यहां पे 4000 लिखते हो तो 4 GB रैम आपकी यहां पे इंक्रीज हो जाएगी। आपको सिंपली लिख देना और यहां पे नीचे स्वैप का ऑप्शन मिल जाता है जो कि कन्वर्ट का, जैसे क्लिक करोगे आप भी अपने मोबाइल की रैम को एक क्लिक में वर्चुअली यहां पे इंक्रीज कर सकते हो और आपका भी फोन काफी ज्यादा यहां पे स्टेबलाइज रहने वाला है। आपको एक बार जरूर से ट्राई करना है। तो आज के रूम बस इतना ही, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरीज होगी, मुझसे बातें करना चाहते होगे, मुझे यहां पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर से कीजिएगा।